छत्तीसगढ़ राज्य के प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे हुए थे, वो अब तपती धूप में सैकड़ों किलोमीटर चलकर गांव पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को शासन प्रशासन की मदद से बस, रेल एवं अन्य वाहनों के द्वारा उनके गांव भेजा जा रहा है, जिन्हें गांव के बाहर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सबसे बड़े ग्राम पंचायत कोसीर में भी 700 से ज्यादा मजदूर काम करने बाहरी प्रदेशों में गए हुए हैं। कोसीर में अभी तक कुल 200 मजदूरों की गांव वापसी हुई है। बता दें कि यहां पर स्कूलों एवं प्री मैट्रिक छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटरों के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। वहीं रायगढ़ जिले के लैलुंगा ब्लॉक में 2 कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर शासन प्रशासन हाई अलर्ट पर है तथा बाहर से आए मजदूरों का सैंपल कलेक्ट कर बारीकी से जाँच की जा रही है। वहीं कोसीर में रेड जोन से आए राज्यों के 26 मजदूरों का कोविड-19 टेस्ट सैंपल कलेक्ट कर रायगढ़ भेज दिया गया है, जिसमें से 17 रिपोर्ट पहले आ चुकी हैं, जो सारी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई हैं। वहीं बचे कुछ सैंपलों की रिपोर्ट भी 1-2 दिनों में आने की बात डॉक्टरों द्वारा बताई गई है। वहीं गाँव के लोगों ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटरों के कुछ मजदूर जबरन सेंटरों से भागकर रातों को सोने घर चले जा रहे हैं, तो वहीं सार्वजनिक तालाबों में लोगों के बीच पहुंचकर स्नान भी कर रहे हैं, जिससे गांव के लोगों में संक्रमण को लेकर डर बना हुआ है, जिससे कि पंचायत को निगरानी व्यवस्था को और दुरुस्त करने की जरूरत है। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को भी समझदारी से काम लेना होगा। रायगढ़ सारंगगढ़ से संवाददाता श्याम कुमार पटेल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।